जी कैसे हैं आप शुएब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? यस सर, खैर खैरियत है? आप ठीक है ओके, सर? यस, गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट है, यस सर, टेस्ट आपका डिले हो गया इस दफा, क्योंकि प्रॉब्लम था, इशू था कोई, तो इस वजह से जो है ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस टेस्ट लेट हो गया। यस सर, आई थिंक वो जवाब में छुट्टी पे, आज कोई प्रॉब्लम है उसका, आपके टेस्ट ले लेते हैं आज। यस सर, मैसेज सेंड किया था उसने मुझे। आई विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिप्लाई मी अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ सर ऑल, लिखने वाला टेस्ट ना ले ले सर, कौन सा सर लिख के टेस्ट ना, लिख के जैसे सर करते हैं। लिखने वाला? नहीं है, वर्बली होगा, जबानी होगा। जहाँ वो एक्टिव है, पैसिव है, तो आपने करने होंगे ना, लिख के करने होंगे ना, ठीक है ना? ठीक है सर, वो मैं लिख के बाकी तो आप बता मुझे दूंगा। ठीक जबानी है देंगे सर, ना, वर्बली करेंगे थे बाकी, ठीक है ना? ऑनलाइन है ना, फिर तो आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे आगे, फिर तो रिटर्न टेस्ट हो जाएंगे आपके आगे जाके, ये कम से। ठीक है सर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन अबाउट इंटरजेक्शंस। सर ऑल ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग इफ एक्सपोज देन इज कॉल्ड इंटरजेक्शंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं अलास, हुरा, आह, वाओ। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क यू दैट हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद फार्मूला एंड एग्जांपल। लेट स्टार्ट नाउ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, Past perfect tense. Sorry, yes, past continuous tense. Yes, I repeat my question. You have to explain about past continuous tense with formula and one example. इफ वी डू कंटिन्यूअसली एनी वर्क इन द पास्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। We use fourth form of verb in this tense. We use was as a helping verb with pronoun and subject, he, she, it. We use were as a helping verb with pronoun or subject, they, we, you. Or ओके, formula sir, या subject or pronoun जो start पे होता plus fourth form of verb plus was verb plus object. एग्जांपल। He was going to office. Going to office. He was going to office. Okay. Question number three, I ask you. Yes, I'll sir. speak one tense. You have to tell me the name of tense, and you have to change in other tense as I will say you. Okay, sir. Tense is he will be working. He will be working in the office. He will be working in the office. Name of tense? Office. Sir, future, he will be continuous tense, sir. Future continuous Future, tense. future, Continuous. future continuous tense. Okay. Continuous. You have to change in present continuous tense. He, sir, लिख के चेंज कर लूँ। Okay. He is working. Working. Sir, he is working in office. Present continuous tense. He Yes, is working in office. in the office. In the Okay. office, sir. Question number four. You have to tell me the meanings of these words in English. You have translated these words from Urdu to English. पहले आप मुझे बताएं, क्लब्स है हमारे पास, वो है हरी मिर्च, इसकी इंग्लिश क्या है? चिली सर, सी एच स्पेल, आई एल आई हाउ डू स्पेल?
CHILI. CHILI, चिली. ओके, इसके बाद मुझे बताएं आप, ये है बैंगन. बिंजर, बिंजर सर, ब्रिंजल. जिंजर, ब्रिंजल, हाउ टू स्पेल? ब्रिंजर, BRINGER, ब्रिंजर, दोबारा बताओ. BRINGER. जी. ओके, थर्ड वर्ड. यू टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ धनिया इन इंग्लिश. सर मिंट, धनिया, मिंट. फोर, नंबर फोर. आप मुझे बताएं पालक की क्या इंग्लिश है? पालक. सर स्पिनिश, SP स्पिनिश सर. SPINISH. दोबारा बताएं. SPINISH. ओके, लास्ट वर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे. आप मुझे बताएं अचानक इंग्लिश क्या? अचानक. अचानक सर, सर क्विकली. ओके, अब आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं. आई विल ओके स्पीक वन टेंस. यू हैव टू चेंज इन द नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड यू हैव टू मेक पैसिव वॉइस इन द एंड. ओके. ओके सर, बोले सर. जी, ये मैं आई 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 रोट अ लेटर. आई रोट अ लेटर. आई रोट इसको सर क्वेश्चन, वो नेगेटिव भी बनाओ इसका, इसका क्वेश्चन भी बनाओ और इसको पैसिव नेगेटिव करना है, सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव है और फिर इसके बाद जो है पैसिव वॉइस है. जी यस सर. आई आई रोट अ लेटर. सर रोड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न. सर लिख रही है सर. बताएं. सर आई रोट अ लेटर का नेगेटिव है सर. आई डिड नॉट राइट अ लेटर फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. उसके बाद सर इसका क्वेश्चन है, आई डिड आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क. उसके बाद जो इसका पैसिव वाइज एक्टिव, अ लेटर वाज रिटन बाय मी. बाय के बाद क्या हो गया? बाय के बाद सर मी है सर, मी, ME, मी, मी. यस सर. ओके, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है. अब इसके जो है रिजल्ट बताना चाहता हूँ आपको. टोटल 50 नंबर का आपका था ये, जो टोटल मार्क्स से ये बदले, टोटल मार्क्स 50 हैं, उसमें से आपने एक दो तीन चार आठ नौ, जी आपके 41 मार्क्स आए हैं 50 में से, ठीक है ना? यस सर. 41 नंबर आपके आए हैं, उसमें गलतियां, 41 मार्क्स है, 9 नंबर आपने लूज कर दिए. वो क्यों किए, क्यों, क्या गलती थी उसमें? आपने आई जो है, जब मैंने पूछा डेफिनेशन पूछा मैंने आपसे टेंस की, तो आपने मैंने पूछा था आपसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपने आई को उड़ा दिया था बीच में से, कि आई के साथ भी वाज लगाते हैं. ओके
यस सर, एक नंबर आपका वो कर दिया, और चार आपने वर्ड मुझे बताए हैं ये जो है ना वो कभी के वो गलत वर्ड गलत बताए हैं, स्पेलिंग गलत बताए हैं, ठीक है बोले ठीक थे, सही गलत बताया आपने, ठीक है तो गलत हो गए वो, तो चार वर्ड आपके वो गलत हो गए, टोटल आपके पूरे 9 नंबर आपके कटे हैं। तो इन फ्यूचर आप इनसे ख्याल करें कि आपके जो टेंस है ना ये स्पेलिंग, बाकी ठीक है चीजें ठीक चल रही हैं, ये जो मामले हैं ना आपके स्पेलिंग के मामले जो हैं वो कबेरी के जो इश्यूज हैं इसको ठीक करें आप, ठीक है ना। ओके सर, क्योंकि लैंग्वेज में जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि ठीक है अच्छी इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, अच्छी इंग्लिश बोल सीख भी जाएंगे आप, लेकिन वो लिखने का जो मामला है ना वो भी पक्का करना है आपने, कब लिखने में आपको आना चाहिए, स्पेलिंग चीज लिखने आने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि बाद लोग चेक कर लेते होते हैं हाँ जी बड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं जरा इसको इंग्लिश बताए ना जरा क्या है स्पेलिंग क्या है, ठीक है ना, उनको पता होते हैं फिर वो चेक भी कर लेते हैं लोग ना, कई बार टेस्ट इंटरव्यू में चीजें चेक कर लेते हैं सर। एनी वेज तो ठीक है, ओके यू गॉट ओवर ऑल यू गॉट गुड मार्क्स, ओके बुरे नंबर नहीं है अच्छे नंबर है ये, तो यस सर बाकी ये है कि आगे मेहनत करके आप इसको पोजीशन, मैं तो कहता हूँ पूरे पूरे नंबर आपके आने चाहिए, कहता हूँ यस सर। तो बाकी ये है कि कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक हो किसी किस्म का, आज वो छुट्टी पर है आपके साथी भी ना, तो कोई प्रॉब्लम आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है आप कहते हैं सर इसको आप रिवाइज करवा दें तो मैं उसको करवा देता हूँ, क्योंकि आगे कहेंगे फिर वो जवाब तो समझ आएगी फिर इसको भी कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है टेंसेस में सर, सिर्फ स्पेलिंग का यही मसला था और कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो आप सीख गए हैं माशाल्लाह, टेंसेस भी आपके अच्छे हो गए हैं चले माशाल्लाह, आपके वो नेगेटिव भी आपको आ गए हैं, इंटरोगेटिव भी आपको आ गए हैं, ठीक है ना, तो पैसिव भी आपको आ गए हैं, ठीक है पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको आ गए हैं, ठीक है अब थोड़ा वोकैबुलरी का मसला है उसको ठीक कर लो, मेहनत करके जरा है मजीद उसको ठीक करो ताकि आगे टेस्ट में आप अच्छे नंबर आ सकें आपके। हाँ तो सर इसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट होंगे सर, हाँ 10 स्पीच कराने मैंने आपको तो वो जवाब होगा तो वो होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर उसको कराना पड़ेगा मुझे ना, इसके पहले रूल्स कराऊंगा मैं आपको, फिर इसके बाद एग्जाम्पल जैसे हैं इसके हमारे जो हैं इसके भी हमारे जो है 3 दिन लग जाने इसके ऊपर, ठीक है ना, यस सर ठीक है ना सर। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बाद मॉडर्न लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर लैंग्वेज शुरू हो जानी है, इसके बाद लैंग्वेज ही है ना आगे, यस सर इसका लैंग्वेज शुरू हो जाए इंशाल्लाह आपके, आप नजदीक पहुंच चुके हैं लैंग्वेज के इस बार, ठीक है ना, तो ये जितनी कवरेज यू हैव टू यूज यू हैव टू लास्ट वोकैबुलरी इन योर रिकॉर्ड, सो यू हैव टू यूज दिस वोकैबुलरी इन योर लैंग्वेज एंड फर्दर यू हैव टू गेट फर्दर वोकैबुलरी व्हेन यू वेल आई विल स्टार्ट माय ब्रीफिंग्स, सो यू हैव टू गेट मोर वोकैबुलरी, ओके यस सर। तो ये है कि इन चीज़ों को देखो अच्छी तरह देखो सीखो, ठीक है ना, और खासकर जो चीज़ आपको याद ना हो ना उसको आप ना इसके स्पेलिंग्स जो है इसके जो स्पेलिंग लिखा करो बार 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 लिखा करो इसको, ये रट्टा लगाओ स्पेलिंग है ही रट्टे वाली चीज़ें सारी, ठीक है ना, यस सर। तो इस तरह यू कैन इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, वेरी सेंसिटिव इशू, यस सर। तो और तो मतलब कोई मसला ऐसा नहीं है खास कोई ना, इसको ग्रुप में भेजेंगे ना आप तो होमवर्क करके ना तो उसको ही मिल जाएगा ना, ठीक है सर, जवाब को मिल जाएगा। मैंने एक वर्ड बोला है दो वर्ड बोले हैं अनअवॉइडेबल रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस ये है जी नागुजीर वजूहात, नागुजीर वजूहात इसका ये मतलब है अनअवॉइडेबल रीजंस, आप इसको बोल सकते हैं कोई आप किसी कोई मसला प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वो काम नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन मैं काम नहीं कर सका, ओके नागुजीर वजूहात अनअवॉइडेबल रीजन जिसे इंसान बच नहीं सकता, अर्जेंट काम होते हैं एमरजेंसी में चीजें आ जाती हैं, कुछ वो इंसान को कर कुछ काम इंसान को छोड़ने पड़ जाते हैं, ओके सर। अनअवॉइडेबल रीजंस
UNAVOIDABLE, unavoidable reasons. Now, guzir wajuhat. Okay? Reasons, unavoidable. Yes. Yes, sir. Aur avoid hota hai bachna. कहते ना कोई बंदा बहुत बोलता है, कहते मैं से बड़ा अवॉइड करता हूँ, है ना, बोल बाद लोग ज्यादा बोलने के सुनने ठीक है ना, मगर मैं बंदा बड़ा बचता हूँ, ये बड़ा अवॉइड करता हूँ। सर जी ये अवॉइड लिखा हुआ है सर पहले भी, हो गया था। अच्छा अच्छा वाइड वाइड हो गया था, वाइड बी आई डी वाइड हो गया था, एक वाइड भी वर्ड है ना वाइड, नहीं सर ये नहीं हुआ, चलो वो लिख लो वाइड वी ओ वी ओ आई डी, ये होता है खाली, वाइड होता है खाली, और एक वर्ड होता है इम्पटी, एक वर्ड होता है इम्पटी, इसका मतलब भी खाली होता है, इम्पटी खाली, और ब्लैंक एक वर्ड होता है, ब्लैंक का मतलब भी होता है खाली, ब्लैंक का मतलब भी है खाली, खाली ब्लैंक, यस सर, ये आप एक ही वर्ड है ठीक है ना, ये वर्ड जो है अनअवॉइडेबल रीजन, एक ही वर्ड है ना, गैर वजूहात, चार वर्ड आपके हो गए हैं, चलिए आगे। Yes, sir. आगे है एक वर्ड है जिसे हम लफ्ज है वो है भरना, फिल, एफ आई डबल एल, फिल है भरना, फिल, और एक वर्ड है बॉटम, बॉटम कहते हैं पैंदा, जो बर्तन का हिस्सा निचला हिस्सा होता है ना, निचला हिस्सा बाल्टी का या बर्तन का, उसे बॉटम कहते हैं, पैंदा, यानी पानी भरते हैं पहले पानी पैंदा शुरू होता है ऊपर आता है, ठीक है ना, बॉटम बॉटम, ओके। राइज कहते हैं उठना, उठना यानी कि ऊपर उठना, ऊपर, राइज का मतलब ऊपर उठना, ऊपर चीज का ऊपर आना, और इनक्रीज कहते हैं बढ़ना, इनक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, इंक्रीज, ओके सर लिख लिए, आठ वर्ड हो गए, एट वर्ड्स, यस सर आठ हो गए, और डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज, डिक्रीज कहते हैं कम होना, कम होना, लेस कहते हैं कम, लेस कम, मैक्सिमम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम इसी का ऑपोजिट है, मिनिमम कम से कम, मिनिमम है कम से कम, कम से कम, यह हम यूज करते हैं दर्जा हरारत के लिए, टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर आज मैक्सिमम है, ज्यादा है, कि मैक्सिमम यानी कि ये 50 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 तक जा सकता है, मैक्सिमम 50 तक हो सकता है, मिनिमम ये माइनस पर जा सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखवाया था, टेम्परेचर नहीं लिखवाया था, दर्जा हरारत नहीं लिखवाया सर, टेम्परेचर भी लिख लें, दर्जा हरारत, टेम्परेचर, टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, जब टेम्परेचर लेस होता है तो ठंड होती है, जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो गर्मी होती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है यस सर तो ठंड होती, सर्दी होती है, ओके, ठंड सर, ठंड यस सर, कितने वर्ड हो गए आपके पास, लिख लिया सारी, कितने वर्ड हो गए, 13 सर, 13, टू वर्ड लेफ्ट, सनशाइन, सनशाइन हो गया था, धूप, सनशाइन, नो सर, वहां वो भी लिख लें, सनशाइन कहते हैं धूप को, इसमें स्पेस कोई नहीं होती है, सनशाइन, धूप,
सनशाइन कहते हैं धूप, सनशाइन है धूप, और इसके बाद फोग हो गया था, फोग धुंद। नो सर, फोग आजकल फोग बहुत आम है, मोटर में बंद किया हुआ इन्होंने, फोग। यस सर, धुंद, FOG, फोग, फे वाओ गा, फोग, धुंद। फ्रेंड्स आप क्या हो गए, कंप्लीट आज वोकैबुलरी आपकी, इनको यूज किया कि नहीं अपनी कन्वर्सेशन में, लोग टाकी करते हैं यूज किया करें, ओके। कर लिया? यस सर, कर लिया। ये आपने 3 वर्ष बाद करके उम्र भी भेजना है, कोशिश करें आज ही भेज दें, ओके। अभी यस सर भेज दूंगा। हाँ, इसको काम करके ऐसे काम करें, उम्र काज करके आज ही भेज देना, आप ग्रुप में भेज देना, वो भी ले लेगा। ओके सर, जवाब अपने ले लेंगे। तो और कोई सवाल तो नहीं है? क्लास में शादी होगी आज, क्योंकि आपका एक ही है, कल आप टेस्ट भी आपका हो गया, तो ये आपको मिल गई है। तो इंशाल्लाह फिर कल हम शुरू करेंगे डेट्स भी, जो इन डेट्स भी शुरू करेंगे, उसको लीव लग गई आज, पर टेस्ट तो नहीं हो सकता, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो तुम्हारा टेस्ट हो गया, बैनर वो अब सिस्टम में आपके उसमें हम कर देंगे, डाल देंगे इसको। ओके सर, तो ठीक है, मेहनत करो, जो मैंने आपको समझाया ना आपको स्पेलिंग के हवाले से, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो और स्पेलिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है, ताकि लैंग्वेज इशू ना बने आपके लिए। ओके ओके सर, ओके, क्लास इज गोइंग ग्रैंड नाउ, विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।